गाने होते नहीं हैं। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि निखिल सर ने कुछ प्रोग्रेसिव किया, नहीं तो अक्सर वही सेम बाल उड़ रहे हैं हवा में, या वही एक जो कन्वेंशनल सा फॉर्मेट में ब्यूटी शॉट्स आ रहे हैं। बट ही गेव मी वेरी स्ट्राइकिंग लुक हमारे कॉलेज का एनुअल डे को लेके हम लोग, तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड एक्चुअली कि इन्होंने मेरे को इतना अच्छा, बिल्कुल अवांगार्ड सोलो, यू नो, वेरी नाइस हेयर एंड वेरी नाइस कॉस्ट्यूम, तो उस आई थिंक दैट वे इट्स वेरी फैशन फॉरवर्ड। और जो अभी आज की जनरेशन है, उन्होंने जब कल हो ना हो में एक लव स्टोरी दिखाई थी, तो उस टाइम के लिए वो बहुत फैशन फॉरवर्ड थी। और अब जो कट्टी बट्टी में जितना भी स्टाइल है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, चाहे वो स्क्रीन प्ले है, या कैरेक्टर्स हैं, या स्टोरी है, जो आप फिल्म देखेंगे उस वक्त भी आप ये कहेंगे कि आज अब इस टाइम के हिसाब से इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आमतौर पर जो हम रोमांटिक फिल्में बनाते हैं, खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ वो फिल्में ख़त्म होती हैं, कट्टी बट्टी शुरू होती है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉलेज वगैरह के रोमांसेस होते हैं, दैट इज़ व्हाट मोस्ट फिल्म्स आर अबाउट। हमारी फिल्म तब शुरू होती है जब इनका 5 साल का रिलेशनशिप टूट जाता है, तो ऑल एवरीथिंग एल्स इज इन द पास्ट। सलमान की जो भी उसके इंस्टिंक्ट्स है, आई ऑब्वियसली इज अ फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट हिम, तो आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड ही टोल्ड मी कि यू हैव टू हियर दिस स्टोरी, सो आई एम लाइक ओके, आई सेड व्हाई इज ही टेलिंग मी दैट यू नो आई शुड डू दिस फिल्म, जहाँ पे लड़का लड़की का दोनों का एक समान किरदार है। तो आई थॉट कि चलो, सलमान ने कहा है कि आई शुड एटलीस्ट हियर इट, नहीं तो यू नो ही विल फील के यू नो उसने सुनी भी नहीं कहानी। व्हेन आई हर्ड इट, आई इमीडिएटली लाइक विद इन 1 सेकेंड आई सेड यस, आई सेड आई शुड डू दिस, आई लव द स्टोरी। बहुत सारे झलक नजर आएंगे आपको इस पूरी फिल्म में, खास करके जब मैं नरेशन सुन रहा था, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, एक के बाद एक ऐसे सीन्स आ रहे थे इन कपल के बीच में, जो सिर्फ वो बंदा जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहा है उनको समझ में आएगा। देर आर दोज मोमेंट्स विच ओनली फाइट्स विच ओनली कपल्स हैव, देर आर द मेकअप्स विच ओनली कपल्स हैव, एंड फॉर मी व्हाइल रीडिंग आई वाज फीलिंग कि यार ये मेरी जिंदगी का एक झलक है। आई हैड द सेम फाइट एंड देन आई मेड अप इन द सेम वे, इट इज़ हैप्पी, ऑल ऑफ दिस मोमेंट्स आर थ्रू टू मे।